सकते रहे, अगर बच्चे का रेट कम हो, चूजे का रेट कम हो, उस वक्त वो लाकर चूजा डाल दें जी। ये नहीं कि हाँ हमारा फार्म खाली पड़ा है, चूजा 60 रुपए का रेट है, 55 रुपए का रेट है, ला देंगे तो वो 100 रुपए में जाएगा तैयारी जी। 100 रुपए में तैयारी हो गई, खुदा ना खास्ता मंडी अगर डाउन हो गई, 80 में बिक्री हो गया तो 20 रुपए किलो अंदर घुस जाएगा जी। इसलिए दोस्तों आज मैं जिस पोल्ट्री फार्म पे हूँ, यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ते में जगह जगह जो है पानी भरा हुआ था, कच्ची सड़कें थी इस पोल्ट्री फार्म तक आने के लिए। और बीच में जो है जब मैं वहाँ से निकला था तो एक बहुत ही बड़ा जो है तालाब था, और तालाब के बगल से ही जो है रास्ता गया था। तो तालाब में जब पानी बढ़ता है तो रास्ते पे पूरा पानी भर जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ तक जो है फीड बाइक से या फिर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ट्रैक्टर से पहुँचाना पड़ता है। और जब लोडिंग के वक्त यहाँ से जो है मुर्गियों के ले जाकर और बाहर गाँव के बाहर सड़क तक जो है यहाँ से ले जाना पड़ता है ट्रैक्टर के द्वारा, उसके बाद लोडिंग वहाँ सड़क पर होती है। तो जिस पोल्ट्री फार्म पर आया हूँ, ये प्राइवेट पोल्ट्री फार्म है, और खुद जो है फीड जितना भी इसमें खर्चा आता है खुद का होता है। प्राइवेट जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें टोटल खर्चा जो है खुद का होता है, जो फार्मर इस फार्म को चलाते हैं उनका होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, और बहुत ही जो है अच्छा फार्म है और 6000 बर्ड्स का है। सर सर सबसे पहले अपना नाम बता दें और एड्रेस। हमारा नाम सरदार सिंह है, ग्राम बगाई, जिला बलरामपुर। अच्छा, बलरामपुर में पड़ता है जी। सर आप कितने साल से जो है ये पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं? लगभग 5 सालों से। 5 साल से प्राइवेट कर रहे हैं? मैं बीच बीच में कंपनी से भी किया, लेकिन अब प्राइवेट कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट कर रहे हैं। कहाँ से सीखा सर आपने पोल्ट्री फार्म करना? सीखा तो प्राइवेट करके। नहीं, कंट्रेक्ट करके सीखा या प्राइवेट से ही सीखा आपने? नहीं, प्राइवेट से सीखा। प्राइवेट से सीखा? प्राइवेट से आज के 17 साल पहले सीखा जी। बीच में बंद कर दिया था, 5 साल से फिर कर रहा हूँ। अच्छा, बीच में आपने बंद कर दिया था। अच्छा, जब आप इसको सीख रहे थे कहीं फार्म पे विजिट करते थे या ऐसे ही, किस तरह से आपने सीखा? नहीं, फार्म पर कहीं विजिट नहीं किया, डीलर के माध्यम से। अच्छा, सीखे डीलर के माध्यम से? हाँ, जिससे बच्चा और दाना मंगाए जी, उन्हीं के माध्यम से सीखा। अच्छा, फार्म पर भी जाते थे सर क्या? नहीं, किसी के फार्म पर नहीं गए, ऐसे ही आपने सीखा। उसके बाद जो है आप कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, और जब रेट अच्छा होता है तो आप प्राइवेट करते हैं। सर सबसे पहले मैं पोल्ट्री फार्म को अंदर से देखना चाहूँगा, उसके बाद जो है प्राइवेट फार्म को लेकर मैं बात करूँगा आपसे। ठीक ठीक। सर अभी इसमें कितने बर्ड्स हैं? अभी इसमें 1500। 1500। और टोटल फार्म कितने बर्ड्स वाला है आपका? जितने टोटल 6000 का है। 6000 का है। ये बगल वाला और वहाँ पर मिला के 3 सेट मिला के 6000 का, 2000 के एक सेट है जी। अभी गर्मियों में कितना डालते हैं सर? गर्मियों में 1500-1500 हर सेट में डालते हैं। अच्छा, ठंडी में? ठंडी में हर सेट में 2200-2200 एक एक सेट में डालते हैं जी। हाँ, तीनों सेट में बराबर। अच्छा, कितने दिन के बर्ड्स हैं सर? ये भी 24 दिन के हैं। 24 दिन के? 24 दिन में इनका वजन कितना है सर ये बताएं? 950 ग्राम। 950 ग्राम। और मोर्टलिटी कितनी हुई 24 दिन में? मोर्टलिटी हो गई लगभग 5%। 5%। अच्छा, 40 दिनों में, 35 से 40 दिनों में तैयार होते हैं। तो टोटल मोर्टलिटी कितनी होती है सर 2000 बर्ड्स पे? हमेशा बराबर नहीं होती है, कभी होती है 5% तक निकल गया 40 दिन जी, कभी ऐसा हुआ 10% भी गया जी, 12 भी हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 20-25% हो जाती है जी। मोर्टलिटी बराबर नहीं रहती। बराबर नहीं रहती। कम ज़्यादा होती रहती है। कम ज़्यादा होती रहती जी। अभी कितने जो है फार्म में बर्ड्स हैं सर? अभी टोटल एक सेट में है 1500 जी, ये वाला खाली है। हाँ, अभी 2 सेट में 15-15 दिन का गैप करके जी फिर तीनों सेट में डालते हैं जी। अभी यहाँ कितने दिन हुआ यहाँ से बर्ड्स को सेल आउट किए? 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ। और उसके बगल वाले फार्म में सर? उसमें लगभग हो गया 30 दिन।
30 दिन हो गए, तो सर इतना लंबा वक्त क्यों लगता है? जैसे 30 दिन के लिए आपने फार्म छोड़ा, ऐसा बरसात के वजह से ज्यादा बच्चा नहीं डालते हैं जी, रास्ता है नहीं जी, रास्ता अपने खुद मोटरसाइकिल से दाना लाना पड़ता है जी, इसलिए समस्या बहुत रहती है, इसलिए थोड़ा बड़ा डालते हैं कि जो कर पाए जी। बरसात खत्म हो जाता है उसके बाद तीनों सेट में बराबर रहते हैं जी। अच्छा सर, बीच में गैप कितना है, जैसे एक फार्म से दूसरे फार्म में बीच की जगह कितना आपने छोड़ा है? 16 से 18 फुट। 16 से 18 फीट, और ऐसे ही बगल वाले फार्म में भी एक लाइन में आपके टोटल सभी फार्म बने हैं? हाँ। और दिशा क्या है सर इसकी, मतलब किस? पूरा पश्चिम, पूरा पश्चिम, लंबाई फार्म की पूरा पश्चिम है, चौड़ाई उत्तर दक्षिण है जी। तो जितने भी फार्म है उनका साइज एक ही है सर? हाँ, साइज एक ही है। कितना इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता दे सर। लंबाई इनका 140 फीट, चौड़ाई 22 फीट। 140 फीट लंबा है, 22 फीट चौड़ाई, 22। ऊंचाई सर साइड की बता दें। साइड की ऊंचाई 6 फुट जी, बीच की ऊंचाई है 10 फुट। अच्छा सर, इससे ज़्यादा भी ऊंचाई किया जा सकता है क्या? हाँ, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, ज़्यादा करने से बेनिफिट और मिलेगा जी, हवा जो है अंदर हाँ, जाती रहेगी। और चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा ना करें, अगर आपका फार्म 200 फीट तक लंबा है तो 30 फीट चौड़ा ठीक रहता है, इससे ज़्यादा जब चौड़ाई हो जाती है तो अमोनिया गैस बनने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। हाँ, 30 फीट से अंदर ही रखें। आपने जितने भी फार्म अभी तक देखे होंगे, 26 फीट, 27 फीट, 28 फीट, बहुत कम ही ऐसे फार्म मैंने देखा है, जो है ऐसे फार्मरों से मिला हूँ जिनके फार्म की जो है चौड़ाई 30 फीट होती है। चौड़ाई अधिक करने से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जी, क्योंकि ठंडी में गैस बहुत ज़्यादा बनाता है जी, इसलिए वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर 25 फुट तक होना चाहिए जी, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सर, जब बर्ड्स जो भी चिक्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनमें कोई बीमारी आती है तो किस तरह से आपको पता लगता है? क्या जिस तरह से कंपनियां उनके सुपरवाइजर आके उसका पोस्टमार्टम करते हैं उसी तरह से आपको भी करना पड़ता है? हमको भी करना पड़ता है जी, उनका बीड देखने से कुछ पता चलता है जी, थोड़ा बहुत जी, थोड़ा बहुत फाड़ कर देखने से पता चलता है जी। कौन कौन सी बीमारी आने का डर रहता है सर, जो मतलब 1 डे से और 40 डेज में कौन कौन सी बीमारी आने का डर रहता है? बीमारी समझ लिए इकोलाई जी, CRD जी, गंबोरो जी, ये तो बहुत ही डर रहता है जी, हमेशा लगभग आ ही जाता है जी। CRD से तो बचता ही नहीं है, वैसे कभी एक शिफ्ट निकल गया तो निकल गया, नहीं हर शिफ्ट में CRD तो इकोलाई तो होता ही होता है जी। अच्छा, इससे बचने के उपाय क्या हैं सर? CRD मान लीजिए, इससे बचने के जो दवा मिल रहे हैं वही दवा लाया जाता है जी, और या तो फिर ये जेंटा इंजेक्शन आता है जी, 6 दिन पर उसको लगा दिया जाए जी, 18 दिन पर फिर जेंटा टाइलोसिन मिक्स करके लगा दिया जाए जी, तो CRD और इकोलाई से 90% बचत हो जाता है। अच्छा, जो नए फार्मर हैं सर उनको कैसे पता चले कि इनमें CRD आने वाली है या जो आपने बताया गोम्बो बीमारी आपने बताया ये आने वाली है? नए फार्मर को ऐसे पता चलेगा पास पड़ोस से समझ कर जी, या नहीं वो मोटोल्टी लेकर गए किसी के पास जी, वहाँ फड़वाए जी, तो धीरे धीरे ऐसे उनको भी पता चला लग जाता है जी। अच्छा, अभी किस तरह से इनकी तैयारी हो रही है सर, जो है 40 दिनों में इनका वेट कितना जा रहा है गर्मियों में? गर्मियों में वेट मानकर चलिए 1600 से 1800 ग्राम जी, जिसका बहुत ही अच्छा वेट आ गया जी, वो 2 किलो पहुंचेगा, नहीं तो 16-18, 16-18, 17 बस ऐसे रहता है जी। ठंडियों में 2400, 2500, 2800 ग्राम तक आ जाता है, 2 किलो से लेकर 2800 ग्राम तक जी, 2 किलो 800 ग्राम तक। हाँ, अब किसका कैसा मैनेजमेंट है, कैसे बच्चे हैं जी, हर चरी का बच्चा अलग अलग रहता है, किसी के कमज़ोर रहते हैं, किसी के अच्छे रहते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कब सबसे ज़्यादा होती है सर, ठंडी में या गर्मी में? प्रॉफिट तो लगभग समझ लीजिए गर्मी में थोड़ा भाव अच्छा रहता है प्राइवेट करने पर जी, गर्मियों में भाव अच्छा रहता है इसलिए प्रॉफिट आ ही जाता है जी। ठंडियों में अगर भाव थोड़ा कम रहता है तो वजन आ जाता है जी, तो इसलिए गर्मियों में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, ठंडियों में कम रहता है। आप किस फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? फीड तो कई प्राइवेट में कई प्रकार का फीड चलाना पड़ता है, कोई एक फीड है नहीं जी, गोदरेज का भी आ गया, आर्यन का भी आ गया और जाफा का है जी, अब डीलर जो ही फीड दे दे वही फीड लाना पड़ता है। अच्छा, किस प्राइस में मिलते हैं सर, अभी इनका रेट क्या चल रहा है? अभी रेट चल रहा है प्री स्टार्टर का 1950 जी, स्टार्टर का है 1900, 1880, 1900 ऐसे रहता है जी, और ये फिनिशर का रहता है 1780, 1790। अच्छा, जो फीड आते हैं सर थोड़े सस्ते होते हैं, क्या वो भी उपयोग में लाए जा सकते हैं या
हाँ उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए वजन नहीं बराबर उठाएंगे जी। हाँ। और वजन ही होना है इनमें मुनाफा, वजन से ही मुनाफा मुनाफा होता है। बहुत से फीड है 5 किलो खा के वो 2 किलो का वजन देते हैं जी, तो कितना भी सस्ता है फिर भी उसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान है। अच्छा सर, जब बर्ड को ज्यादा से ज्यादा 3200 ग्राम से लेकर 3500 ग्राम खा के 2 किलो वजन देना चाहिए जी। अच्छा सर, मान लीजिए फीड की दिक्कत है, तो किस तरह से जो है घर पे फीड बनाया जा सकता है क्या? हाँ, घर पर भी फीड बनाया जा सकता है जी। बाजार से मक्का लाएं जी, मक्का की दराई करवाएं, उसके बाद कंसंट्रेट आता है जी, कंसंट्रेट में मिक्स करके जी, फिर कच्चा दाना दें। थोड़ा चलते रहेंगे सर, बातें भी आपसे करते रहेंगे जी। कंसंट्रेट मिक्स करके हाँ जी, फिर उनको खिलाया जा सकता है जी। जैसे 50 किलो कंसंट्रेट हो गया जी, तो 80 किलो 1 कुंतल मक्का डाल दिया गया उसमें जी। इधर इधर से उस फार्म को भी देख लेंगे। अच्छा सर, अच्छा इस मक्का डालने के बाद वो तैयार हो जाता है? हाँ, वो तैयार हो जाता है जी। किस तरह से इस पे बेट लेते हैं सर, जो घर का फीड होता है इस पे, क्या इसी तरह से बेट आता है इनका? हाँ, बेट अगर मक्का ज़्यादा नहीं किया जाएगा तो बेट इनका इसी तरीके का आएगा जी। बस बहुत हो गया तो 150 ग्राम का फर्क जी होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जी। अच्छा, आपका तीसरा फार्म है? हाँ। अच्छा, बगल में भी एक फार्म बना हुआ है? हाँ, एक फार्म है उमेश सिंह का। अच्छा, ये दूसरे का है? हाँ। कितने बर्ड फॉल है सर ये? 2000 का। अच्छा सर, अभी जो है चिक्स का प्राइस क्या चल रहा है? अभी इस समय 18-20 रुपए चल रहा है। 18-20 रुपए। अच्छा सर, महंगा कब होता है, सबसे ज्यादा महंगा कब होता है चिक्स? महंगा गर्मियों में जब फार्मर ज्यादा बच्चा डालने लगते हैं जी, तो महंगा हो जाता है जी। 45 से लेकर 55-58 रुपए तक हो जाता है चिक्स का रेट जी। अभी इस समय बरसात में जो थोड़ा नीचे क्षेत्र के हैं, नदी किनारे के हैं या जो खलाई क्षेत्र के हैं जी, वो बच्चा डालते नहीं हैं जी, तो चिक्स का रेट कम हो जाता है। अच्छा, जब चिक्स का रेट ज़्यादा कम होता है तो फीड का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है? फीड का रेट बढ़ जाता है। यही फीड जो आज 1950 का है जी, 6 महीने पहले यही फीड 1600-1650 में था जी। अच्छा सर, आपके फार्म पे जो है लाइट कनेक्शन नहीं है, आप ऐसे फार्म में मिले हैं पहली बार जहाँ पे लाइट कनेक्शन नहीं है सर, किस तरह से उजाला करते हैं अंदर? सौर ऊर्जा से। अच्छा, सोलर से आप उजाला करते हैं? सोलर प्लेट से और बैटरी का इस्तेमाल करते हैं रात में उजाला। सर, इनको किस तरह से उजाला चाहिए, तेज जैसे तेज रोशनी होती है या हल्का मतलब कम होता है तो भी चल जाता है? कोई जरूरी नहीं है, बच्चे हैं छोटे हैं, जब तक तेज रोशनी रहता है तो दाना पानी बराबर सब लोग ले लेते हैं जी। थोड़ा बड़े हो गए तो रोशनी अगर कम भी है जी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर रात को थोड़ा वो दाना खाने के हिसाब से थोड़ा कम खाए जी, तो वो दाना दिन में उठाकर अपना खुराक पूरा कर लेंगे। अच्छा, इस टाइप के फार्म में सर कितना खर्चा है, जो आपका 140 फीट लंबा है? अब जब हम बनवाए थे तो उस समय जी, समझ लीजिए इन्वर्टर छोड़ के जी, इन्वर्टर सोलर प्लेट जी छोड़कर उस समय आया था 2 लाख एक सेट में। एक सेट में? हाँ। अगर इतना लंबा एक सेट कोई बनवाता है तो 2 लाख का? हाँ, सर इसमें ड्रिंकर और फीडर ऐड है? ड्रिंकर और फीडर छोड़कर। अच्छा। हाँ, केवल फार्म फार्म का? फार्म पल्ली जाली जी, ड्रिंकर अलग है। अच्छा, ड्रिंकर फीडर अलग है। 140 फीट में कितना सर ड्रिंकर में कितना खर्चा आ जाता है, ड्रिंकर और फीडर के लिए? 50 बर्तन लगेगा जी, 50 से 60 बर्तन मानकर चलिए लगेगा जी। अब अगर जैसे लोकल बर्तन लाएंगे उस हिसाब से लगेगा, ओरिजिनल लाएंगे उस हिसाब से लगेगा, जैसा यानी पैसा लगाएंगे वैसा बर्तन मिलेगा जी, कोई फिक्स रेट नहीं है उसका भी जी जी। उसमें भी क्वालिटी आती होगी? क्वालिटी है। हाँ, कुछ अच्छी क्वालिटी है, जैसे कुछ कंपनियाँ दे रही हैं तो उनका 385 रुपये डिंकर का रेट है। अच्छा, 280 रुपये 90 रुपये फीडर का रेट है जी। लोकल में लावें तो ये समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 में मिल जाएगा लिंकर फीडर जी। अभी सर जो है चिकन का जो है इनका बर्ड्स का रेट क्या चल रहा है, चिकन का रेट क्या चल रहा है? अब अभी चिकन का रेट 200 के करीब होगा, 220-200। बर्ड का रेट चल रहा है वजन में 110-120-115। अच्छा, बर्ड्स का रेट 110 किलो प्रति किलो के हिसाब से 115-110 अभी जो है। अच्छा सर, किस तरह से प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए 1500 बर्ड्स का किसी का फार्म है, गर्मी में अगर वो 1500 डाल रहा है, किस तरह से इनमें फीड में खर्चा आता है, किस कितना फीड खाती हैं? गर्मी में अगर कोई डालता है 1500 बर्ड जी, तो अगर बच्चा सस्ता मिल गया जी तो तैयारी आ जाती है मानकर चलिए 75 से 80 रुपये या 85 रुपये प्रति किलो जी।
अगर चूजा महंगा मिल गया जी, फीड भी महंगी है जी, तो तैयारी लगभग 100 रुपये प्रति किलो पहुंच जाती है जी। अगर 80 रुपये या 75 रुपये में है तो अभी जो है अच्छा खासा मुनाफा उठा सकते हैं। हाँ, तो मान कर चलिए 20 से 25 रुपये 30 रुपये प्रति किलो मिल सकता है, अगर कोई बीमारी नहीं आई तो। अगर कोई बीमारी आ गई, बर्ड बीच में मरे हैं ज़्यादा जी, तो नहीं आ सकता है। अच्छा, इनमें दवाओं में कितना खर्चा आ जाता है सर? 1500 बर्ड्स पे, 1500 बर्ड पर मान कर चलिए कम से कम 4000-5000 दवा, अगर कोई बीमारी नहीं आई जी तो विशेष जी, इतना तो लगना ही लगना है जी। अगर कोई भयंकर बीमारी आई तो एक दिन में 4000-5000 का दवा लाना पड़ेगा जी। अच्छा, इतने दिन में सर, जब से आप कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म, कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब मोर्टेलिटी हुई हो आपके फार्म में? अभी आज के 5 महीना पहले क्रायलर चिक्स था हमारे पास जी, 700 मुर्गा था, 3.5 किलो 4 किलो एवरेज में जी, और 900 बर्ड थे 1600 ग्राम एवरेज में जी। 5 दिन के अंदर जब ये बर्ड फ्लू का हल्ला हुआ है जी, उसी टाइम में इतने बर्ड 5 दिन के अंदर मर गए थे सब जी। अच्छा, आपने दिखाया था, उनको चेक कराया था, कोई बीमारी थी क्या? नहीं, कोई वो वायरल था, आरडी वायरल, रानी खेत बोलते हैं उसको जी, वायरल था जी, बीमारी कोई नहीं थी जी। वायरल की वजह से जो है हाँ, आपका काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा सर, बहुत से नए फार्मर होते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर पोल्ट्री फार्म मैं करना चाह रहा हूँ, किस तरह से नए फार्मरों को एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहिए सर? अगर नए फार्मरों को पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है जी, तो कंपनी से कर रहे हैं तो वो बात तो अलग की हो गई जी। उनका जितना लंबा फार्म होगा, जितना बड़ा फार्म होगा, कंपनी उस हिसाब से बच्चा देगी जी। कंपनी के सुपरवाइजर रोज आएंगे, उसको चेक करेंगे जी। उनके ऊपर उतना भार नहीं है जी। लेकिन अगर प्राइवेट कर रहे हैं जी, तो फार्म कितना भी बड़ा बनवाएं जी, लेकिन कम से कम बच्चा डालें। अगर उनका 2000 का फार्म है तो 500, 400, 300 ऐसा करके डालें जी। पहले सीखें, दो एक बार सीखें, पास पड़ोस में कोई फार्मर है उससे जानकारी लें, नहीं तो अपने डीलर से जानकारी लें। इससे कम भी डाल सकते हैं, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी पहले वो सीख लें, 100-200 डालकर सीख लें। ये नहीं कि हाँ पैसा है तो हम चलो ज़्यादा डाल दिए तो कच्चा है सौदा है जी, इसमें नुकसान काफ़ी आ सकता है जी। इसलिए पहले 100-200 डालें, उसके बाद उसमें सीखें, उसका प्रॉफिट देखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहें। 100-200 के बाद 500 कर दें, 500 के बाद 1000 कर दें, ऐसा करके वो बढ़ाते रहें और करते रहें। और सर, रेट जो है चेक करते रहें, अगर रेट अच्छा है। रेट चेक करते रहें, अगर बच्चे का रेट कम हो, चूजे का रेट कम हो, उस वक्त वो लाकर चूजा डाल दें जी। ये नहीं कि हाँ हमारा फार्म खाली पड़ा है, चूजा 60 रुपये का रेट है, 55 रुपये का रेट है, ला देंगे तो वो 100 रुपये में जाएगा तैयारी जी। 100 रुपये में तैयारी हो गई, खुदा ना खास्ता मंडी अगर डाउन हो गई, 80 में बिक्री हो गया तो 20 रुपये किलो अंदर घुस जाएगा जी। इसलिए चूजे का रेट पहले जाने, चूजे का रेट जब कम हो तो डाल दें, और ज़्यादा हो तो रुके रहें या फिर कंट्रैक्ट कर लें, या फिर अपना जो कंपनियाँ चल रही हैं प्राइवेट लिमिटेड, इनसे फिर कंट्रैक्ट करके इनसे बच्चा डाले। इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ मुनाफा जो है मिलता रहेगा, कुछ मिलता रहेगा और फार्म आपका चलता रहेगा। अच्छा रहे सर, मान लीजिए कोई 100 डालता है और अच्छे से देख रेख करता है, तो क्या 100 में भी मुनाफा मिलना संभव है क्या? हाँ, 100 में भी मुनाफा, अगर एक है तो एक में भी मिलना संभव है जी। वो तो जितना रहेगा उसी हिसाब से मुनाफा मिलेगा जी।